मेरा नाम शमशेर सिद्दीकी है। अच्छा, और मैं आपने आज पार्टी ज्वाइन की है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे देश में एक हवा चल रही है कि ये जो बीजेपी पार्टी है ये मुसलमानों के खिलाफ है, पर ऐसा नहीं है कि ये पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। इस पार्टी में बहुत राष्ट्रीय लेवल के भी नेता हैं, मुसलमान चेहरे हैं जो, वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। ऐसी बात नहीं, अगर ये मुसलमानों के खिलाफ होते तो राष्ट्रीय जो चेहरा है वो चेहरा नहीं होता। दूसरा क्या है कि जो इसको पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से हर वक्त से ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े दंगे हुए हैं पूरे देश के अंदर, कोई एक दंगा मेरे को ऐसा बता दीजिएगा जो बीजेपी के शासनकाल में हुआ। जितने भी बड़े दंगे हुए हैं सब शासन कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं, तो बीजेपी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? बदनाम के असली हकदार मुसलमानों की बदनामी की और जितने बड़े दंगे कराने की अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो एक कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है पूरे देश में। सर, आगे के क्या प्लानिंग है आपके संगठन में, कैसे लेके चलेंगे? हमारी आगे की ये प्लानिंग है, हमारा जो मुस्लिम समाज है, पूरा मुस्लिम समाज एकजुट होके और पूरी ताकत और शक्ति के साथ में बीजेपी को सपोर्ट करेगा और बीजेपी के साथ में रहेगा तन मन धन से हर तरीके से। तो आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कुछ बताना चाहिए? नहीं, आज कुछ साथी हमारे हैं, काफ़ी दिन से ये चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि इन्होंने सब देख लिया, इधर उधर सब झूठ बोलते हैं, कभी कांग्रेस ने कोई काम किया ना जिंदगी में। केजरीवाल सबका झूठा आदमी है, उसने केवल झूठ बोलने के सिवाय कोई काम किया ही नहीं। और जब इन्होंने ये नोट कर लिया तो तब इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, तो इन्होंने अपना निर्णय लिया है। और मोदी जी के उसमें देख रेख में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके और भारतीय उनके मोदी जी के हाथ और मजबूत करें, ऐसा संकल्प लिया है। तो मैं एक तो उन कार्यकर्ताओं का सबका दिल से स्वागत करता हूं, और वो और हम सब मिल करके इस क्षेत्र की बहबूदी के लिए अच्छे काम करेंगे। सर, जो चुनाव जो टाले गए हैं सर, एमसीडी के जो मर्ज हो गए, इसका क्या कहेंगे? देखिए, ये क्या है कि अभी जैसे मैंने थोड़े दो शब्दों में बताया था कि ये दिल्ली उसके अंदर आते हैं, दिल्ली सरकार के अंदर के, तो एक तो इसको कॉरपोरेशन को इंडिपेंडेंट पावर देनी है। जो पावर दिल्ली में मुख्यमंत्री की है, कॉरपोरेशन में मेयर की वही पावर होगी, वो बजट उसको केंद्र से डायरेक्ट उसको मिलेगा। ऐसा कुछ दोबारा से मत क्षेत्र का उद्धार कर हो जाए, उसके लिए योजना ऐसे कुछ बना रहे हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी बन करके अपना दिल्ली का काम कर सके। समय लग जाए सर इसमें, जो डिमार्केशन में और उसमें जो टाइम लगना है, 2-3 महीने 4 महीने, इतना तो खर्च हो ही सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। आज का कार्यक्रम हमने मंडल में अपने आज 2 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करी है, एक अपने महामंत्री के अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष सरफराज जी, और शमशेर जी को हमने महामंत्री बनाया अल्पसंख्यक मोर्चे का। और इस तरह पार्टी बढ़ती जा रही है, हमारे हर मोर्चे में सक्रिय लोग होते जा रहे हैं, और ये पार्टी काफ़ी मजबूती से काम करेगी। और 100% एमसीडी में कॉर्पोरेशन का चुनाव छतरपुर से हम जीत के निकलेंगे। आज जैसे अभी शामिल हुए आपकी जो अल्पसंख्यक की टीम भी गठित हुई है, नई टीम बनी, नया परिवार बना, हाँ, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने देखा काफ़ी सहयोगों की संख्या में लोग आए हैं, और ये मौजूद कार्यकर्ता हैं सारे, कि हर परिवार से अल्पसंख्यक मोर्चे के मौजूद आदमी आए हैं यहाँ पे। हमें लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक भाजपा को वोट नहीं देता, हमारे पास 4 बूथ हैं इस वार्ड के अंदर जो जिसपे अल्पसंख्यक का प्रभाव ज़्यादा है, और इस बार हम 4 बूथ यहाँ से भी जीत के जाएंगे, हजीरा है और हमारा पारा है। इसीलिए एमसीडी को एक कर रहे हैं और सेंटर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट पैसा मिल जाए तो सफाई का हो सके, और एमसीडी क्षेत्र में जो एमसीडी के अंदर काम आते हैं, गली नाली सफाई, ये अच्छे से हो सके, क्योंकि हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, अगर यहाँ भी सफाई नहीं होगी, गंद रहेगी, तो क्या फ़ायदा दिल्ली राजधानी का? बीजेपी पार्टी ऐसी सरकार थी जिसने किसी भेदभाव के बगैर, किसी जाति को ना देखते हुए, सबको जो सुविधा है, छोटे बच्चे को हो, बूढ़े को हो, झोपड़ी वाला है, महलों वाला है, सबको बराबर दिया, किसी को कुछ नहीं देखा, इसलिए ये सभी लोग बीजेपी की तरफ आए हैं, और बीजेपी का ग्राफ इसीलिए सबसे बड़ा होता जा रहा है, यह सबका सम्मान। आप सवाल करो, कैसा लगा आज के कार्यक्रम में आपने जो हिस्सा लिया? बहुत अच्छा लगा। ये बेसिकली एक्चुअली यूनाइटेड इंडिया का पूरी अच्छी मतलब एक बहुत अच्छी तस्वीर सामने आई है, दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू ज्वाइन बीजेपी बिकॉज देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन बीजेपी।
मतलब बीजेपी जो है सब धर्मों को, सब वर्ग के लोगों को, सबको एक साथ लेके चलती है, इसीलिए सभी लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, और जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है। इसीलिए मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स हैं बेसिकली वो सबको बराबर करने के लिए है। जो अमीरी और गरीबी के जो बीच की जो गैप है उसको हटाने के लिए सभी स्कीम्स शुरू करी हुई है मोदी जी ने, तो उसीलिए ये मतलब दैट्स वाई ये सब लोग दे आर मोटिवेटेड बाय बीजेपी, दैट्स वाई दे आर ज्वाइनिंग बीजेपी। एंड मोर ओवर ये पहले भी काफ़ी काम करते हैं सोसाइटी में, ही इज़ वर्किंग अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, सो दैट्स वाई एंड ही इज़ इंस्पायर्ड बाय द बीजेपी, दैट्स वाई ही इज़ ज्वाइनिंग बीजेपी एंड इट्स अ गुड प्रोग्राम एंड इट इज़ बेसिकली शोइंग अ गुड पिक्चर ऑफ यूनाइटेड इंडिया।